अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ो, न हरि भूलो न जग छोड़ो। हम ये नहीं कहते कि आप संसार छोड़ के चले जाएं, नहीं नहीं, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करे जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में, इस तरह से तुम दुनिया में रहो। ये रहने का तरीका मैंने आपको बताया है और आप सब अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिए हैं, क्योंकि आप संसार में भी हैं लेकिन इस संसार में आपने अति रुद्र महायज्ञ में अपनी सहभागिता दर्ज करा करके कीचड़ से कमल बनने का संकल्प ले लिया है, इसलिए आपका जीवन कमलवत हो गया है, जीवन कमलवत हो गया आपका। यदि आप केवल संसार की गतिविधियों के संचालन में ही लगे रहते तो कीचड़ के कीड़ा हो जाते कि नहीं, लेकिन इस संसार में रह करके आपने अति रुद्र महायज्ञ में तन मन धन से अपनी सेवाएं देने का संकल्प लिया है, इसलिए आप कमल बन गए हैं, कमल बन गए हैं। यज्ञ में तो आप मुक्त हस्त से दान करिए, निसंकोच दान करिए, तन मन धन से समर्पित हो जाइए, उस यज्ञ को सफल बना दीजिए। ये यज्ञ इतना विशाल है, इतना विशाल है कि सारा विश्व इस यज्ञ को देख रहा है, सारा विश्व इस यज्ञ को देख रहा है और आज विश्व चिंतन कर रहा है कि भारत में इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। मैं कहता हूं, आज मैं इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि अति रुद्र महायज्ञ जो 1111 कुंडात्मक हो रहा है, जिस दिन इसकी सानंद आपके सहयोग से पूर्णाहुति हो जाएगी, राम मंदिर निर्माण का मंगलाचरण शुरू हो जाएगा, रघुवंश भूषण राम का मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा। ये श्री राम मंदिर निर्माण के लिए यज्ञ किया जा रहा है, ये रघुवंशियों ने जो आज संकल्प लिया है कि जहां श्री राम का जन्म हुआ है रघुवंश में हुआ है, लेकिन आज राम की जन्मभूमि जो रघुवंश में श्री राम ने जन्म लिया है वहां मंदिर नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब विश्वास हो गया है कि रघुवंशियों ने आज यज्ञ के माध्यम से राम जन्मभूमि के निर्माण का संकल्प ले लिया है और विराट भव्य राम मंदिर का निर्माण श्री अवध में हो गया। ये यज्ञ की फलश्रुति है, सारा विश्व देख रहा है। साधना चैनल के माध्यम से मेरी बात अनेक देशों में पहुंच रही होगी, वो भी सुन रहे होंगे कि अब श्री राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण होने ही वाला है। ये श्रेय रघुवंशी समाज को ही मिलेगा प्यारे, क्योंकि तुमने ऐसी शुरुआत कर दी है। यद्यपि मैं इस मंच से सब पर मोर बराबर दाया, मेरा आशीर्वाद तो सभी के लिए है, क्योंकि राम रघुवंश में पैदा हुए हैं लेकिन राम इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं। अगर श्री राम इस भारत में पैदा हुए हैं, इस भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, तो राम का स्वरूप ही राष्ट्र का स्वरूप है, इसलिए जो भी इस राष्ट्र में रहता है वो राम का है, वो संतों का है। संत उन्हें आशीर्वाद देते हैं, समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो यज्ञ का संकल्प लिया है रघुवंशियों ने, वो यज्ञ ऐतिहासिक यज्ञ है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना और यज्ञ को पूरी तरह से सानंद सफल कर देना प्यारे, राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। सारी की सारी बाधाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मैटर क्यों ना हो, राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट के जज को मजबूर होना पड़ेगा निर्णय देने के लिए कि विराट श्री राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि पर ही होना चाहिए। और ऐसी अनुकूलताएं सब बनती ही जा रही हैं, बनती ही जा रही हैं प्यारे।
उत्तर प्रदेश में आज एक साधु बैठ गया मुख्यमंत्री बन के। बोलो, ये साधु को किसने बिठाला? यज्ञ भगवान ने ही साधु को बिठाला है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं, कमान संभालो। तो आज मैं यह कहना चाहता हूं, और 7 तारीख को तुम्हारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज भी आ रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में राम राज और मध्य प्रदेश में शिवराज, एक तरफ राम राज एक तरफ शिवराज। और बोलो भाई, रघुवंशी समाज ने भगवान शिव का यज्ञ किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? हाँ, इसलिए बिना शिव के राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए अति रुद्र महायज्ञ ये किया जा रहा है। ये स्वयंभू भगवान शंकर जो यहां विराजमान हैं, ये तुम सबके मध्य में यहां विराजमान हैं, ये कमान संभाले हुए हैं अयोध्या की, अयोध्या की कमान संभाले हुए हैं। इसलिए चिंता मत करना, बहुत बड़ी सफलता अपने देश को मिलने जा रही है, भारत को बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। ये राष्ट्र केवल भारत के लिए ही आध्यात्मिक राष्ट्र सिद्ध नहीं होगा, ये पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होने जा रहा है भारत हमारा। जो गौरव पहले भारत को मिला था ऋषियों के समय में, वही गौरव आज वर्तमान में भारत को मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही पवित्र कार्य किया है आप सबने, मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आज जब मैं नौलखी मंदिर में मेरा प्रवास है, बड़ी अच्छी व्यवस्था नौलखी मंदिर बेतवा के तट पर, बड़ा ही सुंदर तपस्वी पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, क्या कहना, ऐसे ऐसे ऋषि यहाँ जन्म लिए हैं। पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ जी महाराज की तपस्थली जहाँ पर मैं प्रवास पर हूँ, वहीं मेरा विश्राम, वहीं प्रसाद, ऐसी सुंदर रमणीक जगह पर मुझे विश्राम दिया गया, संतों के बीच में मुझे ठहरने के लिए स्थान दिया गया। अरे बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, वो मुझे रेस्ट हाउस में ठहराते हैं, लेकिन याद रखना आप सबने अतिरुद्र महायज्ञ में रघुवंशियों ने मुझे संत निवास में ठहराया है। संत निवास में, अरे भाई संत को तो संत निवास में ही ठहरना चाहिए, अति सुंदर व्यवस्था की है। आज लखन बाबा लखन दास जी मेरे पास कल रात्रि में बैठे रहे, और पूरे समिति के लोग साथ में गए हुए थे। आप सब जितने भी समिति के लोग हैं वो सब लखन दास जी पहुंचे, आप सब समिति के लोग पहुंचे, तो यज्ञ के बारे में परिचर्चा होती रही, तो यही बताया महाराज जी इतना विशाल संकल्प और आप आशीर्वाद दो, ये कैसे पूरा होगा। मैंने कहा चिंता मत करना, ये ऐसे पूरा नहीं होगा साधारण तरीके से नहीं, ये ऐसा पूरा यज्ञ होगा, ऐसा पूर्ण यज्ञ होगा, ऐसा परिपूर्ण यज्ञ होगा कि ये भारत का इतिहास नहीं बनाएगा, अरे रघुवंशियों ये पूरे विश्व का इतिहास बना देगा, ऐसा परिपूर्ण ऐसा सफल यज्ञ होगा ये। चिंता मत करो, भगवान के वंश में तुम पैदा हुए हो, भगवान श्री राम की संतान बैठे हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तुमने श्री राम के वंश में जन्म लिया है, और इस राष्ट्र के अंदर जो भी रह रहे हैं सबके हृदय में श्री राम का वास है, इसलिए श्री राम सबके हृदय प्रेरक हैं, इसलिए अवश्य ही यज्ञ अच्छी तरह से दिव्यतम दिव्याति दिव्य तम व्यवस्था में ये यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, भव्यतम व्यवस्था में ये यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, इसलिए ये यज्ञ विश्व का इतिहास बनने जा रहा है। तो आए, मैं चर्चा कर रहा था यज्ञ पर ही, बोल रहा था कि आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि अभिमान के कीचड़ से निकल करके अब कमल बन करके हमें भगवान की चरण शरण में पहुंचना चाहिए। अभिमान के कीचड़ से निकल करके अब मुझे बाहर जाना चाहिए और भगवान की शरण में पहुंचना चाहिए।
तव मुनि बरा मन की न बिचारा प्रभु अवतर उहरन मही भार याही मिस देखो पद जाई ओकर बिनतिया भाई बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार कर्मजन सरयू जल गए उभूप दरबार कर्मजन सरयू जल गए उभूप दरबार कर्मजन सरयू जल स्नान किया सरयू जी में आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखो भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो दो आंखों के आंसू तो हैं वो चरणों में चढ़ा दो। क्यों भाई आंसू तो हैं? अरे तुम रो रहे हो तो संसार के लिए रो रहे हो, आंसू भी बहा रहे हो तो संसार के लिए आंसू बहा रहे हो। मैं कहता हूं प्यारे आंसू संसार के लिए मत बहाओ, आंसू यदि बहाना है तो संसार की उपलब्धियों के लिए आंसू मत बहाओ, यदि आंसू बहाना है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आंसू बहाओ। परमात्मा मिल जाएगा, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने आंसू बहाए। बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बा कर्मजन सरयू जल गए उभूप दरबार कर्मजन सरयू जल गए उभूप दरबार। स्नान करने के बाद जैसे श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के भवन की ओर आगे बढ़े, दशरथ जी को पता चला, किसी ने जाके जब सरयू जी में स्नान कर रहे थे तो भाई आप किसी नदी में स्नान करेंगे तो नदी में दो चार दस लोग स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और ये तो पुनीत नदी है सरयू जी, इसमें तो हजारों की संख्या में रोज लोग स्नान करते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आके स्नान करते हैं। क्यों भाई? सरयू जी में गंगा हुई, सरयू हुई, मंदाकिनी जी हुई, नर्मदा जी हुई। क्यों भाई? हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके लोग स्नान करने जाते हैं कि नहीं जाते? हजारों की संख्या में जाते हैं। तो आज विश्वामित्र जी जब स्नान कर रहे थे तो अयोध्या के किसी नागरिक ने, क्योंकि वह भी वहां स्नान कर रहा था, उसने विश्वामित्र जी को स्नान करते हुए देखा तो दौड़ के गया और महाराज श्री दशरथ से कहा कि विश्वामित्र जी आए हैं, महात्मा विश्वामित्र आए हैं, स्नान कर रहे हैं सरयू जी में। दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी आए? विश्वामित्र जी आए? हाँ। तो दशरथ जी सोचने लगे पहले। क्यों सोचने लगे? क्योंकि विश्वामित्र का नाम सुना तो हरिश्चंद्र की याद आ गई कि जब हरिश्चंद्र थे तब विश्वामित्र आए थे, अब रामचंद्र आए तब विश्वामित्र आए। ये चंद्र जब रघुवंश में आता है तब तब विश्वामित्र क्यों आता है? यही समझ में आ रहा है, क्योंकि रामचंद्र जब तक नहीं आए तब तक विश्वामित्र नहीं आए। हरिश्चंद्र के समय में आए थे, अब रामचंद्र के समय में आए। रामचंद्र के समय में सोचने लगे, लेकिन याद रखना प्यारे, राजा
सात्विकी है, धार्मिक है, संत सेवी है, गौ विप्र सेवी है। इसलिए संत पधारे हैं, हमें दौड़ करके उनकी अगवानी करना चाहिए। संत आए हुए हैं हमारे इस नगर में, हमें दौड़ के उनकी अगवानी करना चाहिए। तो अगवानी करने के लिए दौड़े। देखो भाई, दो राजा हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो दशरथ जी, बोलो प्रसिद्ध हैं कि नहीं, दशरथ, और दूसरा दशमुख, ये भी प्रसिद्ध है। क्यों है प्रसिद्ध कि नहीं, कहना पड़ेगा है प्रसिद्ध। दशरथ और दशमुख, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ, और लंकाधिपति, लंका का सम्राट कौन है, दशमुख। मैं कहता हूं चाहे दशरथ हो और चाहे दशमुख हो, राजा जो भी होता है उसे चार नीतियां मिलती हैं, चार नीतियां। और चार नीतियां जानते हो, साम, दाम, दंड और भेद, ये चार नीतियां। क्योंकि ये चार नीतियों के बल पर ही वो राज्य का संचालन करता है, और ये चार नीतियां उसको पुरुषार्थ से नहीं मिलती हैं, कृपा से मिलती हैं। जैसे महाराज श्री दशरथ को ये जो राजपद मिला और ये चार नीतियां मिली, ये सारंग पाणी की कृपा से। किसकी कृपा से, सारंग पाणी। अब मैं अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रघुवंश में किसकी पूजा होती है, रघुवंश में सारंग पाणी की पूजा होती है। सारंग पाणी मानी भगवान विष्णु। सारंग पाणी कौन है, भगवान विष्णु। क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तही दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पाणी। तो किसकी पूजा कर रहे हैं, सारंग पाणी की, भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु की कृपा से राज्य मिला, और भगवान की कृपा से, विष्णु जी की कृपा से ही चार नीतियां मिली। मिली कि नहीं मिली। अच्छा, रावण को किसकी कृपा से राज्य मिला, दशमुख को। तो दशमुख को भगवान शंकर की तपस्या की, दशमुख ने, बोलो की कि नहीं की, किसकी तपस्या की, भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शिव की तपस्या करने से, भगवान शिव की कृपा के परिणाम स्वरूप रावण लंका का राजा बना, और भगवान शिव ने ही कृपा करके इसे साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियां प्रदान कर दी कि जाओ तुम लंका का संचालन करो। इधर भगवान विष्णु ने महाराज श्री दशरथ को आशीर्वाद दे दिया कि साम, दाम, दंड, भेद, ये चार नीतियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन चारों नीतियों के बल पर राज्य का संचालन करो। अब सुनो ध्यान से, अब नीतियां मिल जाएं, जैसे तुम सब ने अपना मत दे करके, क्योंकि जनता है जनार्दन, और जनार्दन नेता के लिए, बोलो जनता भगवान है कि नहीं, जल्दी बोलो। जनता नेता के लिए क्या है, भगवान है। अब आपने अपना जो मत दिया है, वो मत दे करके आपने एक राज्य दे दिया, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। बोलो बना दिया कि नहीं बना दिया। किसकी कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, जनता जनार्दन की कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। अगर जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान नहीं करती जनता, तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, नहीं बनता। लेकिन तुम भगवान सिद्ध हो गए और तुमने राजा बना दिया उसे,
लेकिन जानते हो किस विश्वास के साथ बनाया तुमने राजा, कि साम दाम दंड भेद इन चार नीतियों का तुम सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। यदि तुम दुरुपयोग करोगे इन नीतियों का तो जनता अभी तुम्हें राजा बना रही है, और जिस दिन तुम दुरुपयोग कर दोगे जनता तुम्हें सड़क छाप बना देगी। हाँ, अगर सदुपयोग करते रहोगे तो सदा तुम राजा ही बने रहोगे, और दुरुपयोग करोगे तो सड़क छाप हो जाओगे। सावधान। रावण ने चारों नीतियों का बोलो दुरुपयोग किया कि नहीं किया? दुरुपयोग का परिणाम क्या निकला? रहा न कोकुल रोवन हारा, कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना चाहता है रावण का खानदानी। क्यों भाई? क्यों? सबकी जमानत जब्त, कोई टिकट लेने को तैयार ही नहीं है। कि हम कैसे चुनाव लड़े हैं, टिकट ही लेने को तैयार नहीं है कोई। तो सावधानी से सुनना, हमारी बात समझने की कोशिश करना। मैंने एक बात आपको बताई नहीं, नीतियों का सदुपयोग करोगे तो राजा बने रहोगे, दुरुपयोग करोगे तो सड़क पर आ जाओगे। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाँ, समझ में आ रही है। रावण ने, दशमुख ने नीतियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए दुरुपयोग करने के परिणाम स्वरूप राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। और दशरथ जी ने इन चारों नीतियों का सदुपयोग किया है। अब कैसे सदुपयोग किया है यही मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सुन लो। प्रसंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है सदुपयोग कैसे? साम नीति पहली है, साम नीति। अच्छा, एक बात का स्पष्टीकरण और कर दूं जरा थोड़ा सा। एक मिनट के लिए मन को थोड़ा केंद्रित करिए, फिर मैं प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। अंगद, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। अंगद जब लंका में प्रवेश करता है प्रभु की आज्ञा से, तो प्रभु ने समझौता के लिए अंगद को भेजा था कि काज हमार तासु हित होई तो रिपुशन करो बत कही सोई। अगर दशमुख मेरी बात मान जाए, समझौता कर ले, तो अंगद जाओ पहले समझा दो, युद्ध युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, समझ में आ जाए, जाओ अंगद समझा दो। अंगद जब समझाने के लिए गया तो आपको मालूम होना चाहिए अंगद ने रावण समझा समझा तो कुछ नहीं, अंगद ने सीधा चैलेंज कर दिया, अपना पैर जो है लंका की भूमि पर रख दिया और कहा, रावण राम की शक्ति की बात छोड़ो, मैं राम की सेना का एक साधारण सा सैनिक हूं, राम जी की सेना का एक साधारण सा सैनिक हूं। अरे तुम अपनी शक्ति की बात छोड़ो, मेरे प्रभु राम की शक्ति के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। अरे तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ले राम के से एक छोटे से सैनिक की शक्ति है, पैर रख दिया है, अगर तेरी सभा में मेरा पैर कोई उठा दे हिला दे तो जो मम चरण सके सठकारी, फिरो राम सीता में हारी। यदि मेरा चरण तेरी सभा का कोई भी बलवान वीर अगर हिला दे हटा दे तो फिरो राम सीता में हारी। अब इधर पृथ्वी ने तुरंत कहा प्रभु राम से, किसको भेज दिया, क्या कह रहा है वो, देखो तो क्या कह रहा है, किसको भेजा, ना समझ व्यक्ति को भेज दिया, उसने दांव पे लगा दिया मेरी बेटी को। राम जी बोले, अगर तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो तो तुम्हें पैर पकड़ो, अगर तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो तो पैर तुम्हें खुद पकड़ो, तुम्हारे ऊपर तो रखा है, क्यों इसलिए बेटी की प्रतिष्ठा बचानी है तो तुम पैर पकड़ लो। पृथ्वी बोली, वो तो बचानी ही पड़ेगी प्रतिष्ठा, क्योंकि मेरी बेटी को दांव पे लगा दिया है। लेकिन याद रखना प्यारे, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं,
केवल मात्र संकेत दे रहा हूँ, जो मेरा मूल प्रसंग है उसी प्रसंग पर मैं अपना प्रवचन दे रहा हूँ, संकेत मात्र है। जैसे ही बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े वीर बलवान, भट सुभट उद्भट दारुण भट महाभट चैंपियन सब एक साथ अंगद के पैर को हिलाने में लग गए, लेकिन पैर हिला नहीं। अब रावण स्वयं उठा। जैसे ही रावण उठा, अब ध्यान से सुनना, नीतियों की बात कर रहा हूं मैं कि चार नीतियां हैं उसके पास, इनका दुरुपयोग कैसे करता। जैसे ही उठा और उठ करके जैसे ही झुक के अंगद का चरण पकड़ने लगा, तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया। कहा रुक रुक, अरे मेरा चरण पड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, यदि कल्याण करना है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही झुका तो उसके मुकुट दसों गिर गए। ये जो मुकुट थे ना, ये दसों गिर गए। अब जैसे ही दसों मुकुट गिरे तो अंगद ने चार जल्दी उठाए और फेंक दिए। अच्छा बोलो, दसों नीचे गिरे मुकुट, जब झुका पैर उठाने के लिए अंगद का झुका तो दसों मुकुट नीचे गिर गए। अब जब दसों मुकुट नीचे गिरे तो तुरंत अंगद जी ने चार उठा के फेंक दिए। अच्छा, अंगद चाहते तो दसों उठा के फेंक सकते थे कि नहीं, लेकिन चार ही। अच्छा, दो क्यों नहीं फेंके, तीन क्यों नहीं फेंके, एक क्यों नहीं फेंका, पांच क्यों नहीं फेंके, चार ही क्यों फेंके। अच्छा, नीतियां तीन होती हैं कि पांच होती हैं, बोला बताओ है? चार होती हैं ना, चार ही होती हैं ना, ना तीन होती हैं ना पांच होती हैं, केवल नीतियां चार होती हैं। और मुकुट थे दस, वो अंगद ने फेंके कितने, चार। इससे सिद्ध हो गया कि वो चार मुकुट नहीं थे, रावण की चार नीतियां थी। अच्छा, जैसे ही मुकुट चार फेंके तो रावण भी इतना बेवकूफ है, अब क्या बतावे आपको, उसने छह ही मुकुट रख लिए। अब दस माथे, दस सिर हैं, छह मुकुट रखे और चार सिर बिना मुकुट के, अब बैठ गया, बैठ गया। तो अंगद ने कहा, बुद्धिहीन हो क्या, अरे किसी सुनार से जाके चार मुकुट बनवा लेते, दसों रख के बैठते तब ठीक रहता, या तो बिना मुकुट के ठीक थे, नहीं तो दसों मुकुट होना चाहिए था। अरे छह मुकुट क्यों रख लिए, चार जब नहीं है तो छह रखने की क्या जरूरत थी। रावण बोला, ना समझ अंगद, तू जानता नहीं है, तूने चार ही तो फेंके, छह तो हमारे पास है, बहुमत तो मेरे पास ही है, आखिर चार ही तो फूटे छह तो है। देखा आपने, अंगद ने कहा तू समझ नहीं रहा है। और जब भगवान ने अंगद से पूछा कि अंगद ये चार मुकुट फेंकने की क्या जरूरत थी, क्या मैंने ये कहा था कि मुकुट तुम मेरे पास भेज देना, ना मुझे मुकुट की जरूरत है, लंका के सत्ता की जरूरत है, ना रावण की संपत्ति की जरूरत है, मैंने तो समझौता के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने मुकुट मेरे पास भेज दिए, क्या जरूरत थी मुकुटों की। अंगद जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु आप मजबूर मत करो, आप भ्रमित मत करो, वो मुकुट नहीं है। फिर क्या है, बोले ये चार मुकुट नहीं है, ये चार नीतियां हैं, और चार नीतियां एक राजा के पास होती हैं। अच्छा, कौन कौन नीतियां हैं। अंगद ने कहा, साम दाम अरुदंड विभेदा उन्नृप्योर बसत नाथ कह बेदा। और हे प्रभु, वो चार नीतियां आपकी कृपा से मिलती हैं राजा को, लेकिन आज आपकी कृपा हट चुकी है। क्यों हट चुकी है, जब तक राजा के जीवन में धर्म रहता है, सत्कर्म रहता है, न्याय रहता है, तब तक आपकी कृपा नीतियों के रूप में रहती है। और जिस दिन राजा धर्म को छोड़ देता है, अधर्म के पथ पर अग्रेषित हो जाता है, उसी समय ये चारों नीतियां आप वापस ले लेते हो। धर्महीन प्रभु पद विमुख, धर्महीन प्रभु पद विमुख, अरे काल विवश दस शीश, उतही पर हरि गुण आयउ सुनहु कोसला धीश। इसलिए ये चार नीतियां आपकी कृपा से मिली थी, और आज चारों नीतियां अधर्म करने के कारण, असत्य पर चलने के कारण, अनीति पर चलने के कारण आपने चारों नीतियों को अपने पास बुला लिया है। इसलिए अब रावण अस्तित्वहीन हो गया, अब रावण का विनाश अवश्य ही
होगा। तो बात समझ में आ गई ना, किसकी कृपा से मिलती हैं नीतियां? भगवान की कृपा से। और वापस कब चली जाती हैं? जब अनीत तो अधर्म व्यक्ति करने लगता है। तो आज रावण के पास से चार मुकुट के रूप में चारों नीतियां भगवान के पास वापस पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? लेकिन दशरथ जी के पास चारों नीतियां हमेशा रहीं कि नहीं रहीं, बोलो? और चारों नीतियों का सदुपयोग किया कि नहीं किया? अच्छा, पहली